हमास और इसराइल की जंग के चौथे दिन पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। उन्होंने पीएम मोदी को जंग के बारे में पूरी जानकारियां दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत के लोग इस मुश्किल की घड़ी में इसराइल के साथ में खड़ा हुआ है। हम हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं। इसराइल के मुताबिक इसराइल की सेना ने घोषणा भी की है कि उसने गाजा के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। सेना ने बताया कि रात भर में उसने गाजा में तकरीबन 200 जगहों को निशाना बनाया है। अभी तक हमास के 1500 लड़ाके मारे जा चुके हैं। जंग में इसराइल के करीब 123 सैनिकों की अभी तक मौत हो चुकी है।